काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ही प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विंध्याचल के विंध्यवासिनी धाम कॉरिडोर का निर्माण तो आरंभ ही हो गया है, परंतु इसी के साथ माता के भक्त द्वारा एक विशेष कार्य हुआ है जो कि माता के धाम की सुंदरता और भी बढ़ा देगा। भारतवर्ष की धर्म नगरी काशी अर्थात वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के प्रथम चरण के उद्घाटन के पश्चात द्वितीय चरण का निर्माण कार्य तो तीव्र गति से संचालित है ही, जो कि पूर्ण भी होने वाला है। एवं अब काशी के तर्ज पर ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट अर्थात विंध्याचल मंदिर पर विंध्य कॉरिडोर का निर्माण भी हो रहा है। बता दें कि विंध्याचल पर्वत भारत के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है तथा यहाँ पर स्थित विंध्यवासिनी माता मंदिर देश के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक है। इस स्थान की महत्ता इसी से समझ लीजिए कि मार्कंडेय पुराण के अनुसार राक्षस महिषासुर का वध जहाँ हुआ तथा जिस स्थान से होकर के गंगा नदी ही नहीं बहती अपितु भारतीय मानक समय अर्थात IST भी होकर के गुजरती है, उस पावन धाम का कायाकल्प भी हो रहा है। जानकारी हेतु बता दें कि विंध्याचल में स्थित प्रसिद्ध माता विंध्यवासिनी मंदिर में एक भक्त ने मनोकामना पूरी होने पर 101 किलो चांदी से बना द्वार दान किया है। इस द्वार की कीमत 80 लाख रुपए आंकी गई है। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि यह द्वार 5.25 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा है और इसे राजस्थान से बनवाया गया है। यही नहीं, चांदी के द्वार को लगाने के लिए राजस्थान के ही झुंझुनू जिले से 5 कारीगर भी लाए गए थे। मंदिर में जहाँ चांदी का दरवाजा लगाया गया वहाँ पर पहले से पीतल का गेट लगा हुआ था। इस रजत द्वार को भेंट करने वाले व्यक्ति की अधिक जानकारी दें तो आपको बता दें कि यह रजत द्वार दान करने वाले भक्त रांची के रहने वाले हैं। इस अवसर पर माता विंध्यवासिनी के धाम में विशेष पूजन अर्चन एवं भंडारे का आयोजन भी किया गया था। भक्त संजय चौधरी ने बताया कि वह लगभग 25 वर्षों से रांची से विंध्या चला रहे हैं। संजय दोनों नवरात्रि में सपरिवार माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। नवरात्रि के समय अवधि में ही उन्होंने मन में संकल्प लिया कि एक दिन माता के गर्भगृह में चांदी का द्वार लगवाएंगे। संजय ने कहा कि मां के आशीर्वाद से चांदी का द्वार लगवाने का संकल्प पूरा हुआ। यह भी बता दें कि पिछले वर्ष अगस्त महीने में बिहार के एक मंत्री ने माँ विंध्यवासिनी को 1 किलो के सोने का मुकुट और चरण दान किया था। इसकी कीमत 50 लाख रुपए आंकी गई थी। विंध्यवासिनी धाम लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर साधारण दिनों में भी हजारों की संख्या में दर्शन पूजन के लिए भक्त पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना करते हैं। वहीं दूसरी ओर इस पूरे परिसर के जीर्णोद्धार के लिए कॉरिडोर का निर्माण भी हो रहा है, जिसकी जानकारी हम आपको समय समय पर प्रदान करते रहते हैं और शीघ्र ही नवीन जानकारी के साथ प्रस्तुत होंगे। मित्रों, आपके विचार इस संदर्भ में क्या हैं वह हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। और आपको वीडियो में दी हुई विंध्यवासिनी धाम के नवीन रजत द्वार की विशेष जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं और कमेंट बॉक्स में जय माँ विंध्यवासिनी अवश्य लिखें। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ विंध्यवासिनी।